नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बेनीवाल, गांव गिगोरानी, जिला सिरसा से। मैं आपको बता दूं कि पिछले छः महीने पहले कृष्ण चंद्रा जी के द्वारा बनाया हुआ वैस डिकम्पोजर मिला। उसके बाद में मैंने पिछले छः महीनों से वैस डिकम्पोजर आधारित जैविक खेती कर रहा हूं। यह है कि मैंने छः महीने पहले जो चने की फसल बोई थी उसमें मैंने वैस डिकम्पोजर से ही फसल को लगाया और इसी से बनाया हुआ कीटनाशी तैयार किया था, जो मैंने चने की फसल पर यूज करने पर उसका एक नंबर रिजल्ट आया और बाज़ार से किसी तरह का रसायन भी नहीं खरीदना पड़ा और फसल भी बढ़िया हुई। अब मैं जो आगे आने वाली फसल नरमा और कपास के लिए जो मेरे क्षेत्र में वनस्पति है उसके द्वारा मैं कीटनाशी तैयार कर रहा हूँ। ये जो आप मटेरियल देख रहे हो ये लगभग 25 किलो के लगभग है और जो मेरे क्षेत्र में जो वनस्पति है जैसे नीम, सफेदा, मकान, आग, कदूरा, सहजन, सित्यानाशी, बारामासी, करज और कनेर की टोटल मिला के मैंने 25 किलो मटेरियल तैयार किया है और मैं इसका पहले भी यूज कर चुका हूँ। पहले मेरा जो रिजल्ट था वो बहुत बढ़िया था और आगे आने वाली नरमा और कपास की फसल की समूल कीटों के नाश के लिए ये बिल्कुल कारगर सिद्ध है। मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि बाजार से रसायन खरीदने की बजाय, पैसा खर्च करने की बजाय, अगर आप इस तरह से घर पे वेस्ट डिकम्पोजर वनस्पतियों से अगर कीटनाशी तैयार करोगे तो आपको पूरा 100% इसका आपको रिजल्ट मिलेगा और मैंने इसका चने की फसल पर यूज करके भी देखा। किसान साथियों नमस्कार, आज है हमारे साथ सुभाष बेनीवाल, गांव गिगोरानी, जिला सिरसा, हरियाणा से। आज इनके फार्म पर मैं पहुंचा हूं। काफ़ी व्यस्तता के बाद, काफ़ी इनकी इनविटेशन के बाद मैं इनके फार्म पर पहुंचा हूं। इन्होंने पिछले 6 माह से वेस्ट डिकम्पोजर आधारित खेती करनी चालू की और कपास की, चने की फसल के अंदर इनको जैविक खेती के उत्पाद बनाने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। इन्होंने बागवानी की है, बागवानी में इन्होंने अनार के पौधे लगाए हैं जिसका परिणाम ये दो बच्चों ने आपको पहले वाले वीडियो में दिया है। ये वो दो सगे भाई हैं जिन्होंने मात्र 5 मिनट के अंदर इल्ली को मारने का एक पाउडर तैयार किया है जो कि काफ़ी मित्रों ने यूट्यूब पे ऊपर उसको सराहा और काफ़ी अच्छे कमेंट मिले। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है हर किसान को इल्लियों से, हर एक फसल में इल्ली का प्रकोप हो जाता है और उसको मारने के लिए कई तरह के बाजार के रसायन लाने पड़ जाते हैं। और आज सुभाष जी ने आगे लगने वाली कपास की फसल के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ, एंजाइमों के साथ साथ, पत्थरों के घोल के साथ साथ, कई तरह के पोषक तत्वों के, खनिज पोषक तत्वों की पूर्ति के बाद आप आज इनके क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक जहरीली वनस्पतियों का 5-5 किलो समावेश करके 200 लीटर के बैरल में 21 दिन के लिए गलाने के लिए रख रहे हैं। और आज ये बनाने जा रहे हैं इनके फार्म पर जहरीली वनस्पतियों का कपास की फसल में सुंडी नाशक। इससे पहले ये एक सुंडी नाशक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसके अंदर प्राकृतिक वनस्पतीय गुण है, खनिज तत्वों से ये वनस्पतियां भरपूर हैं तो लगने वाली फसल को खनिज तत्व मिले, प्राकृतिक पोषण मिले, इसके लिए ये बना रहे हैं। इससे तो पहले इन छोटे दो भाइयों ने जो एक कच्चे फूल हैं इन्होंने बेहतर उपाय आप सबके सामने साझा ही कर दिया, लेकिन उन किसान भाइयों के लिए ये एक बेहतर उपाय सुभाष जी ने बनाया है। आप सभी किसान साथियों से निवेदन कि आप जिस भी क्षेत्र से हैं, आपके आसपास पाई जाने वाली, उगने वाली, जंगली या मेड़ बाड़ के ऊपर लगने वाली उन वनस्पतियों को लें जिनको जंगली जानवर या गाय भैंस नहीं खाती, उनका आप इस तरह 200 लीटर के बैरल में 21 दिन तक फर्मेंटेशन करने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर के साथ रखें। अब यहाँ इन्होंने मात्रा बताई है कि 20 से 25 किलो उत्पाद 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में लिया है, तो उन किसान भाइयों के लिए इस्तेमाल करने की विधि क्या होगी? अगर आपके पास आपके क्षेत्र में जो भी जहरीली वनस्पति है 25 किलो कितने भी प्रकार की हो सकती है, 5 तरह की हो सकती है, बहुत तरह की हो सकती है, 10 तरह की हो सकती है, जो इसके अंदर आप डालते हैं वो डालने के बाद 21 दिन के बाद ये फर्मेंटेशन हो जाता है और 15 लीटर के स्प्रे पंप में आपको 750 ग्राम से लेके 1 लीटर तक यानी कि
15 लीटर स्प्रे पंप में इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास बड़ा स्प्रे पंप है 100 लीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 10% या 7% का घोल लेना है। उन किसान भाइयों के लिए बता देते हैं जिनके पास बेल वर्गीय फसल है, जो त्रिमासिक है, अर्धवार्षिक है, उनके लिए 7% से अधिक घोल का इस्तेमाल न करें। अगर आपके पास कपास की फसल है, चौड़ी पत्ती वाली फसल है, या बहुवार्षिक फसल है, या बड़े पेड़ हैं, तो आप उसमें 10 से 12% 15% तक इस घोल का समावेश करके शाम के समय किसी भी फसल पर इस्तेमाल करने से इल्लियों का नियंत्रण होता है, यहाँ तक कि इल्लियाँ मर जाती है। इल्लियों को मात्र 5 सेकंड में मारने का ये दो मित्रों ने एक कारगर तरीका निकाला है। दो छोटे छोटे नन्हे भाई, इनसे जानेंगे इन दोनों का नाम क्या है। आपका नाम क्या है? आपका नाम विशांत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप लोगों के सामने हरियाणा में जो किसान भाई जैविक खेती की ओर आ रहे हैं या रासायनिक खेती कर रहे हैं, दुविधा दोनों के सामने होती है। इल्ली का प्रकोप हर एक फसल में होता है। इन जैविक कीटनाशकों का उपयोग समय से पहले, अभी देखिए खेत में अभी कपास की बिजाई कर रहे हैं, आधे में करिए आधे में कर रहे हैं, इसमें समय से पहले 21 दिन पहले ये घोल फर्मेंटेशन करने के लिए रख रहे हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले एल्कलाइन जो गुण हैं, ये इस वेस्ट डीकम्पोजर के जीवाणु अपने साथ समाहित करके एक ऐसा उत्पाद तैयार हो जाएगा जो हर एक किसी भी फसल में इसका उपयोग करने पर आपको बेहतर परिणाम देगा। इसको बनाने वाले किसान साथी से इनका नंबर जान लेते हैं ताकि आपके आसपास जो भी किसान भाई है उनको इस प्रकार की समस्या ना हो। इन्होंने क्या क्या तरीके के उत्पाद बनाए, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कौन सी फसल में करते हैं, इसका क्या रिएक्ट और क्या परिणाम इनको मिलता है, जानते हैं इनके मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर 94164-90153 है। मैंने पत्थरों का घोल, माइक्रोन्यूट्रेंट, गोजेर अरक और KGF जो राजूराम राठौड़ के द्वारा बनाई गई है वो तैयार की है। इससे जो पहले आपने चने के अंदर जो 5 पत्ती काढ़ा बनाया था उसका आपने इस्तेमाल किया, उसका क्या परिणाम रहा? बहुत बढ़िया परिणाम रहा। 20 दिनों तक किसी तरह की सुंडी आपको खेत में ही दिखाई नहीं देगी। आपने कितने क्षेत्रफल में चने लगाए थे? मैंने 5 एकड़ में चने लगाए थे। अगर आप बाजार का रसायन लाते तो कितने का आ जाता था? बाजार का रसायन लगाते तो 1 एकड़ में 1100 रुपए का मिनिमम खर्चा आता, यानी कि आपका एक बार की स्प्रे का। वैसे आप यहाँ आपके इस क्षेत्र में कितना स्प्रे मारते हैं चने में रासायनिक का? 3 स्प्रे लग जाती है। तो आपका टोटल 3 स्प्रे का खर्चा कितना आ जाता था? 9-10 हजार रुपए का। आपने 5 तरह की पत्तियां एक ही दिन में इकट्ठी करके 21 दिन उसको फर्मेंटेशन करने के लिए रखा और उसका परिणाम आया, कितने रुपए बचे? सारे पैसे बचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी तरह नहीं डालनी पड़ी। आपके आसपास के युवा जो रासायनिक खेती करते हैं, नहरी पानी है, अच्छा पानी है, जमीन ज्यादा है, जमींदार बड़े हैं, तो आप उन युवा साथी को क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कुछ प्रयोग करके देखो इस तरह का। अच्छा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वाह जी, बहुत बढ़िया आपका विचार है। किसान साथियों, आपने इन किसान भाइयों के नंबर ले लिया, आप इनसे बात करें। धन्यवाद।